हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र से हो और अगर आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो वो कैसे बना सकते हो। अभी जो मेरा बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस है, तो उन्होंने मुझे अगर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए मुझे शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट चाहिए या ट्रेड लाइसेंस चाहिए। तो मैं इसमें से शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट निकालने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर आप इधर देख सकते हो तो ये मेरा डैशबोर्ड है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो या महाराष्ट्र के कौन से भी एरिया से अगर आपको शॉप एक्ट या शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट निकालना है तो आपको तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, अपले सरकार, ठीक है। तो यहाँ आके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे न्यू यूज़र और रजिस्ट्रेशन ईयर पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे आप सिंपली अपना मोबाइल ओटीपी के द्वारा आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी यहाँ डाल के आपको यूज़र नेम सिलेक्ट करना है। यूज़र नेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बस वो अवेलेबल रहना चाहिए। तो जैसे आप ओटीपी डालोगे, यूज़र नेम अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ नीचे आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे अब आपका पासवर्ड क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आके आपको आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड डालना है, एक कैप्चा डालना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, जैसे मैं आऊँगा तो मेरा होम है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखना है लेबर डिपार्टमेंट। जैसे मैं लेबर डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँगा आपको ये ऐसा सब डिपार्टमेंट पे आएगा। तो लेबर डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रिन्यूअल, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर लो, आपको आगे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जैसे मैं क्लिक करके प्रोसीड करूँगा तो आगे आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप देखना। तो जैसे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास 0 से लेकर 9 वर्कर तक है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास 10 से ऊपर है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही 0 से 9, अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई वर्कर नहीं है तो फ़िलहाल मैं यही ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जो डिवीज़न है वो मेरा कोकण रहेगा, यहाँ पे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, फिर मेरा जो ऑफिस है वो सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरा बिजनेस नेम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मेरा बिजनेस नेम फ़िलहाल मेरा ही नेम है, और यहाँ पे जो है वो मैं मैनुअल रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या न्यू रजिस्ट्रेशन, तो मैं फ़िलहाल के लिए तो न्यू रजिस्ट्रेशन ही रखूँगा। फिर यहाँ पे मैं मेरा जो बिजनेस का एड्रेस है वो डालूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा बिजनेस कब शुरू किया है तो उसका मुझे फिल करना है। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब मेरा बिजनेस क्या है, तो जनरली मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो फिर मैं वो सब फिल करने वाला हूँ। उसके बाद मेरा वो प्राइवेट, ये तो यहाँ पे मेरा प्राइवेट सेक्टर ही आएगा। तो यहाँ पे जो है कितने वर्कर है वो सब लिखना है। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक भी वर्कर नहीं, तो इसमें सब में 0-0 लिखने वाला हूँ। तो एक भी मैं खाली नहीं छोड़ूंगा, सब में मेरे को 0-0-0-0 ही लिखना है। मेरा ऑनलाइन बिजनेस है इसलिए फ़िलहाल अभी इसमें कोई भी वर्कर नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो मैं पूरा मेरा नाम लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरा एड्रेस लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है तो उसमें से क्या कौन सा कैटेगरी है वो मेरा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेरा इसमें जो सब टाइप है, जैसे मेरा एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस है तो जो भी अगर मेरे को इसमें से मेरा ऑनलाइन बिजनेस ऑप्शन मिलता है तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा, नहीं तो फिर मैं अदर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा ये जो है प्रोप्राइटर है, प्राइवेट है, ठीक है, तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे आई एग्री करके डिटेल को सेव करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरा मेरा इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, तो उसके बाद आगे प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने फॉर्म
फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद मेरा एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ है, तो वो आईडी अभी मैं यहाँ पे डालूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, शॉप, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शॉप, इसके बाद जो मेरे को आईडी आया है वो मैं यहाँ पे फिल करूँगा। उसके बाद उसको सर्च करूँगा तो फिर ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन हो जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं अपलोड डॉक्यूमेंट करूँगा। तो जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे फ़ोटो अपलोड करने के लिए आ रहा है मेरा साइन। तो उन्होंने पिक्सल और इसका दे दिया है मेजरमेंट कि कितने पिक्सल से कितना पिक्सल तक चाहिए फ़ोटो। फिर यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन, तो ये जो चीज़ है सेल्फ डिक्लेरेशन वो आपको यहाँ से, ये देखिए यहाँ, जब यहाँ आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज ओपन होगा। तो वो पेज आप इधर देख सकते हो, ये रहा सेल्फ। तो इस प्रकार आपका वो पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे नाम और सिर्फ साइन करना है। और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसका भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये वाला आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे आ जाए। मैं यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं आधार कार्ड पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक्चुअल फ़ोटो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिस्प्लेइंग द इंटीरियर एंड द नेम बोर्ड मराठी एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे मेरा जो ऑफिस है उसका मैं एक इंटीरियर फ़ोटो निकालूंगा अंदर से, और जो मेरा बोर्ड है वो मराठी में। तो अभी यहाँ पे मेरा तो ऑनलाइन वर्क है, तो यहाँ पे सिंपली मैं मेरा एक ऑफिस का फ़ोटो निकालूंगा, या मेरे घर में किसी भी एक जहाँ पे मेरा पीसी रखा है उसका मैं एक फ़ोटो निकालूंगा। और एक मेरे पास बोर्ड तो नहीं है, मैंने ऑनलाइन बिजनेस होने की वजह से मैंने कभी मेरा बोर्ड तो नहीं बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, एक उसको एक वर्ड में या पावर पॉइंट में उसको एडिट करके एक उसको ऊपर में मैं बोर्ड दे दूँगा, और वो वाला ही जो इमेज है वो यहाँ पे मैं उस पर अपलोड कर दूँगा। अदर अगर आपके पास कुछ है डॉक्यूमेंट तो आप अपलोड कर सकते हो। तो इतना डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये अपलोड करने के बाद आपको आगे का दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो यहाँ पे मेरे को ये ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करके ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा। आई थिंक क्यूआर कोड से पे कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट हो रहा है अभी, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे किया। ये देखिए, ये मेरा इंटीरियर का एक फ़ोटो निकाला और ऊपर में मैंने मेरा जो एस्टेब्लिशमेंट नेम है वो मराठी में टाइप करके यहाँ पे मैंने उसको पावर पॉइंट में मैंने उसको एडिट करके फिर इसको सेव एज जेपीजी करके फिर मैंने उसको अप्लाई किया। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अगर आप इसका प्रिंटआउट लेना चाहते हो तो प्रिंटआउट ले लो, मुझे नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है ये, ठीक है। बैक चले जाते हैं, फिर से मैं एक बार मेरा शॉप पे क्लिक करूँगा, रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे मेरा आईडी जो है वो मैं यहाँ पे मेरा आईडी डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड इंटीमेशन रिसिप्ट, ठीक है। मैक्सिमम डेज फॉर इश्यू सर्टिफिकेट तो जीरो लिखा है। अगर आपके पास 5 या 5 से कम लेबर है तो ये जो इंटीमेशन रिसिप्ट है इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास अधिक लेबर है तो दूसरे दिन जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड रहेगा वहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको इस पॉइंट पे या इस स्टेज पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक भी एम्प्लॉय नहीं है,
तो फिर वो 0000 आ रहा है, और यहाँ पे मेरा एड्रेस आ रहा है, और यहाँ पे मेरा माल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरा जो नेम है वो आ रहा है, और मेरा जो है डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो लिख के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बस अगर आप भी बिजनेस में हो और आपको बिजनेस रिलेटेड ऐसी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और वीडियो को लाइक भी कर देना।